अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेके। तो इसके साथ बताते चलूँ, चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक करें जी, शेयर करें, ठीक है जी। तो बस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग सबसे पहले ना मैं कर रही हूँ जी चूल्हे की क्लीनिंग। तो आज मैंने क्लीनिंग जो है ना हार्पिक के साथ की है। मैंने कहा ज़रा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर दूँ और सिंपल इसके साथ ही मैं से क्या आप क्लीनिंग कर सकते हैं। आपको बताया था ना मेरा चूल्हा जो है ये लोहे का, इस पर कुछ भी गिर जाए ना तो फ़ौरन इस पर ना जम जाता है। तो बस वैसे ही एक दिन मैंने इस पर पकड़ के हार्पिक ऐसे डाल दिया, तो लेकिन इसके साथ तो ना जादू नहीं हो गया, जैसे ऐसे हो गया था, बिल्कुल सारा क्लीन हो गया था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ आज, कि अगर आपके पास आपके घर में हार्पिक मौजूद है तो आप उससे ये वाला चूल्हे की भी क्लीनिंग बड़ी अच्छी आराम से कर सकते हैं। ये मेरा स्टील का चूल्हा है, कोई शीशे का या कुछ ऐसा चूल्हा नहीं है, स्टील का चूल्हा है जिसमें मैं जो लोहे की कुची थी ना उसका भी इस्तेमाल आराम से कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई शीशे का जो चूल्हा था उस पर ना कोई डालने बैठ जाए, ये लोहे का चूल्हा है इसलिए मैं इस पर ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा हार्पिक इस पर मैंने डाल के ना तो अच्छी तरह से ना मैंने स्कॉच ब्राइट के साथ ना उसको फैला दिया है, ठीक है। इसको फैला के ना अब हमने 15-20 मिनट के लिए ना छोड़ देना है, ताकि ना ये जो भी इस पर जमा हुआ है ना गंदगी मैल जो भी है ना सब कुछ हो ना आराम से कहते हैं ना वो उभर आएगी। अच्छा यहाँ पे मैं साथ ही मसाला रख रही थी जी, आज पका रही हूँ जी मैं फलियाँ और गोश्त, चिकन में फलियाँ पका रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जी प्याज मैंने काट दी है और इनको डाल दिया प्रेशर कुकर में, 2 गिलास पानी डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला, जो क्यूब मैंने आपको दिखाए थे मैंने शेयर किए थे वो एक क्यूब मैंने डाल दिया, वो इनफ होगा आपकी एक हंडिया के लिए। और सिंपल इसमें नमक मिर्च और हल्दी मैंने डाली है और डाल के तो बस प्रेशर को लगा देंगे जी 10 मिनट की विसल। 10 मिनट में के लिए ना आप लोगों मसाला आपने अगर रखना होता है तो उसके लिए ना 2 गिलास पानी बहुत इनफ होते हैं, आप लोग 2 गिलास पानी डाल के आराम से 10 मिनट की विसल लगा सकते हैं। यहाँ पर जी आज बच्चों की आई हैं जी पुप्पो, छोटी पुप्पो, और वो बच्चों के लिए चीज़ियाँ भी लेके आई थी, उबैद के लिए, कुर्तलाइन के लिए और भी बाकी बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पे वो मोहम्मद उबैद को सबसे पहले चीज़ियाँ दे रही थी और उबैद की माशाल्लाह से खुशी की इंतहा मैं आपको दिखा देती हूँ। उबैद ऐसे ही खुश था जैसे पता नहीं बस क्या हो गया। ये माशाल्लाह से उनकी बेटियाँ थी, एक ये है और एक इधर ही घूम रही है, वो सामने खड़ी है, ठीक है। और बच्चे बस जब इनकी छोटी पुप्पू आ जाए ना तो बच्चे बस पुप्पो पुप्पो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हालाँकि दूसरी पुप्पो भी इनके पास है, वो आती जाती रहती हैं हमारे घर के बिल्कुल साथ ही रहती हैं दूसरी वाली गली में ना। तो लेकिन जो ये पुप्पो है ना ये एक तो दूर रहती हैं और दूसरा जो थोड़ी देर बाद आती हैं, लेकिन बच्चों का बड़ा ज़्यादा इंतज़ार होता है इनका, प्यार से बच्चे इनको फायज़ा वैसे इनका नाम है, बच्चे प्यार से इनको हनी पुप्पो कहते हैं। तो बस यहाँ पे जी हनी पुप्पो आई थी और बच्चों के लिए आई थी जी चीज़ियाँ, और माशाल्लाह से उबैद की खुशी की इंतहा देख लें। पापा माशाल्लाह से निकाल के दिखा रहे हैं कि उबैद को कुबैद देखो चीज़ियों के अंदर क्या क्या है और तुम क्या क्या खा के इंजॉय करोगे, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे उबैद अपनी चीज़ों को कर रहा था इंजॉय। उतनी देर में ना 10-15 मिनट गुजर गए हुए थे चूल्हे को, मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। जो मसाला था ना वो मैंने बाहर जो छोटा चूल्हा है ना जो ज़मीन पे मैंने रखा होता है जिस पे अक्सर मैं बाहर कुकिंग कर लेती होती हूँ, मैंने मसाला उस पर रख दिया था ताकि ना खाने को देर ना हो जाए। और वैसे आज खाने पर मुझे देर हो ही गई थी क्योंकि ना आज थोड़ा सा ज़रा बिज़ी थी, कोई काम था जिसमें मैं मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से किचन में आई मैं देर, लेकिन खाना भी आज बड़ी देर हो गया। सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और ना बच्चे तो बस आज भी बुला ही रहे थे कि खाना मामा जल्दी कर दें, आज बहुत देर हो गई है। फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की फटाफट से ना, तो शुक्र है अल्लाह का कि ना 1:15 के पास मैंने खाना स्टार्ट किया था और 2 बजे मैंने रोटियां और सालन वगैरह ना रेडी कर दिया हुआ था कि सब में मैं सर्व कर रही थी रोटियाँ और सालन। तो बस यहाँ पे अब चूल्हे की करते हैं क्लीनिंग। पहले ना मैंने स्कॉच ब्राइट के साथ इसको अच्छी तरह से किया साफ़, उसके बाद मैंने पकड़ ली थी जो लोहे की कुची होती है ना वो, और ये देखें माशाल्लाह से जहाँ जहाँ पे जमा हुआ है ना आराम से वहाँ से ना सारा आराम से उतर है, बिल्कुल भी मुझे इतना ज़्यादा ना कोई ज़ोर या इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी या ज़ोर लगा लगा के कहते हैं ना बिल्कुल जी वो उसको उतारना पड़ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, आराम से ना वो उतरी जा रहा था। मैंने ये वाला बर्नर भी उठा दिया था क्योंकि ना चाय वगैरह गिरती है ना तो इसके नीचे भी चली जाती है बर्नर के ना, ये भी उठा के इसके नीचे भी मैंने अच्छी तरह से ना कुची के साथ साफ़ कर लिया था जो लोहे की होती है, इसको फिर वापस मैंने ऊपर लगा दिया था और फिर टावल के साथ ना मैं सारा इसको मैंने कर लिया था क्लीनिंग। ये एक टावल था मेरे पास फेस वॉश वाला जिससे फेस वगैरह साफ़ करते हैं, मैंने ना फिलहाल उसी के जो पीसेस थे ना वो कट कर लिए थे टाइलें नीट करने के लिए किचन की और ये चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए। जो दूसरे रुमाल जो यूज़ होते हैं वो भी मेरे पास नहीं है, मैं कब जाऊँगी ना शॉपिंग करने तो फिर मैं ना लेके आऊँगी। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं ना अब धो के ना तो यहाँ पे सारा ना चूल्हे को अच्छी तरह से कर रही हूँ क्लीन। जो बटन वगैरह ना इनके भी दरमियान में मैंने ना
उंगलियों की मदद से सारा अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। साफ़ करके फिर चूल्हे के इर्द गिर्द और सारा पीछे जो था ना वो भी फिर मैंने सारा क्लीन कर दिया था। अच्छा जी, चूल्हा तो हो गया था क्लीन, तो ये मसाला मैंने बाहर रखा हुआ था। यहाँ पे जो है ना फलियाँ पापा ना कल रात को ही ले आए थे, उनको ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये फ्रेश पापा कह के ना सब्ज़ी वाले से ना, तो पापा ना इनको छिलवा लेते होते हैं, वो भी छीलने के ना पैसे ले लेते होते हैं। वैसे वो भी हम निकाल लेते होते थे, लेकिन अब निकाले काफ़ी देर हो गई है, अब हम ना बाज़ार से ही निकली हुई मंगवा लेते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी मसरूफियत है। और अच्छा वैसे पसंद भी इनको बहुत है, हफ्ते में दो दफ़ा भी पका लो ना तो सबको ही बहुत पसंद है मेरे घर में ना, बच्चों को भी, अम्मी पापा को भी और हस्बैंड को। इनकी फेवरेट है जी फलियाँ, कीमा हो जाए या फलियाँ गोश्त हो जाए कुछ भी हो जाए ना, ये इनका फेवरेट है। अच्छा ये हरी मिर्चें इसमें से ऐसे ही निकल आई थी कि मैंने ना बच्चों को कहा था इसे ना फ्रीज़र में रख दो, तो मुझे पता नहीं चला उसके अंदर हरी मिर्चें भी डाली हुई थी सब्ज़ी वाले ने, तो वो वैसे ही फ्रीज़ हो गई थी। तो हैर इनको मैं पहले इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि बाहर विसल मसाले की वैसे तो हो चुकी हुई है, मैं उसको भी अब खोल के तो रखती हूँ। चूल्हा मैं अंदर साफ़ कर रही थी ना, तो मैंने बाहर ही इसको ना प्रेशर कुकर खोल के रख दिया था ताकि जो पानी इसमें अगर थोड़ा बहुत ठहर ना तो वो खुश्क हो जाए। थोड़ा सा ही पानी होता है, जब दो गिलास आप पानी डालेंगे ना तो ज़्यादा सारा पानी नहीं अंदर बचता प्रेशर कुकर के ना। 10 मिनट से आपने ज़्यादा विसल नहीं लगानी, विसल स्टार्ट होगी तो 10 मिनट का आपने टाइम नोट कर लेना है। ये देखिए जी मसाला माशाल्लाह से पानी खुश्क हो गया था, इसके अंदर डाल दिया मैंने ऑयल और मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने ना इसके अंदर डाल दिया जी चिकन। चिकन को अच्छा ये देखें, हमेशा कभी भी आपने प्लेट रखा हो ना ऐसे प्लेट में, तो बिल्कुल ऐसे नहीं उंडेलना चाहिए, ऐसे ही होता है जो भी इसके नीचे पानी होता है वो भी चला जाता है, मुझे बिल्कुल ना वो क्या कहते हैं ना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ना मैंने पकड़ के ऊपर से चिकन डाला नहीं। तो आप बास्केट में भी रख लें, उससे पानी सारा निकल जाता है। अच्छा जी, तो चिकन को अब डाल रही हूँ ना साथ साथ, मैंने कहा चिकन को मोल लेती हूँ और ये जो चिकन वाली प्लेट थी इसको भी धो के मैंने कहा साथ ही इसकी जगह पर रख देते हैं। बर्तनों को साथ साथ ही धो लो तो ठीक है, नहीं तो इतने बर्तन होते हैं ना माशाल्लाह से दिन में कि मैं बस सोचूँ ना तो आपको बता ही नहीं सकती, अगर एक दिन भी बर्तन ना वॉश करो तो पूरा किचन ही भर जाए, इतने बर्तन माशाल्लाह से होते हैं। और अच्छा जी यहाँ पे देखिए जी, अब ये चूँकि फ्रीज थी ना तो मैं इसलिए पानी से इनका धो रही हूँ ताकि ना इनकी ठंडक जो है ना वो ख़त्म हो सके और साथ में ना बर्फ़ भी अंदर से मेल्ट हो सके, क्योंकि मैंने साथ ही फटाफट से अंदर डाल दी नहीं है। आपको बताया ना आज वैसे भी मुझे देर हो चुकी हुई है खाना पकाने में, तो फटाफट मेरा मतलब है इसको मैं करूँ ठंडा, ठंडा मतलब नॉर्मल इसको उस पर ले आऊँ ताकि ना फटाफट से इनको मैं ना उस चिकन के साथ ही डाल दूँ, इकट्ठी भुनी जाएंगी और साथ में ना सॉफ्ट भी हो जाएंगी, गल जाएंगी। तो बस अच्छी तरह से इनको मैं धो रही हूँ और साथ साथ देख रही हूँ अगर कुछ बीच में गंदा वगैरह कुछ नज़र आए तो वो बाहर निकाल लूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से साफ़ थी, ये हरी मिर्ची बीच में से एक दो निकलाई थी छोटी छोटी सी बिल्कुल थी, वो मैंने बिल्कुल बाहर निकाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए जी चिकन को माशाल्लाह से साथ साथ मैं चमचा हिलाती जा रही थी और ये देखिए जी चिकन के आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये देखें चिकन भी अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस अब इसके अंदर डालते हैं फलियाँ और फलियाँ डाल के ना तो बस इसको भी मैं 2-4 मिनट के लिए भूनूंगी। और अच्छा उससे पहले मैंने ना टमाटर की पेस्ट इसके अंदर डाली है, 3 टमाटर लिए थे मैंने वो अंदर डाल लिए थे। अच्छा कई लोग ज़्यादा ना इसमें ग्रेवी पसंद नहीं करते, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं ना वो फलियों के अंदर ना ग्रेवी पसंद करते हैं अगर चिकन के साथ हों तो, और अगर कीमे के साथ पकाएं तो फिर तो इतनी ग्रेवी नहीं ना चाहिए होती, वो कीमे के साथ ही माशाल्लाह से मैनेज हो जाती है। सूखा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि पहले नहीं मैंने डाला हुआ था, खत्म हुआ हुआ था, तो फिर मैंने ऊपर से निकाल के ना जहाँ पे कैबिनेट में मैंने एक्स्ट्रा मसाले वगैरह रखे होते हैं तो वहाँ से मैंने निकाला था। तो बस सूखे धनिया को भी डाल के ना तो बस 1-2 मिनट बस मैंने इसको फ्राई किया था, सॉरी भुना था, भून के ना तो बस इसके अंदर मैं डाल दूंगी फलियाँ ताकि ना वो जो टमाटर का भी थोड़ा सा पानी निकलेगा उसी के साथ ही, और फलियाँ भी अभी वॉश की हुई हैं ये भी अपना पानी छोड़ेंगी। तो बस मैंने ना इसको लगा दिया विसल फटाफट से मिक्स करके ताकि ना जब ये फिर इसको मैं खोलूँगी ना प्रेशर कुकर को तो ये होगा कि ना इसको मैं इकट्ठे ही और ज़्यादा भून लूँगी फलियों को, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था तो इसलिए ये शॉर्ट तरीके से भी आप फटाफट से ऐसे पका सकते हैं। तो बस फटाफट से मैंने इसको लगा दी थी 2 से 3 मिनट की विसल, वैसे आप इसको दम पे भी पका सकते हैं लेकिन ना मैंने विसल इसे लगाई थी ताकि जल्दी से खाना कुक हो जाए। तो बस इसको विसल लगाते हैं 2 मिनट की और फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ आपको।
अच्छा जी, यहाँ पे साथ साथ मैंने कहा मैं आटा गूंद लूँ। मैं ना सुबह और शाम का ही आटा इकट्ठा ही गूंद रही थी, क्योंकि आज ना मैंने अपनी दोनों नंदों के साथ जाना था बाज़ार, उन्होंने मेरे साथ बाज़ार जाना था। हमने कहा था चलिए एक विज़िट करके आते हैं, देख के आते हैं कपड़े वगैरह क्या हैं, क्योंकि शादी आपको पता आने वाली है। तो बस ये है कि अभी विज़िट ही करने गए थे, और बड़ी नंद ने थोड़े से कपड़े लेने थे अपनी बेटी के लिए ना, सर्दियों के लिए घर में पहनने के लिए। वो कहती सीज़न के निकाले हैं ना पिछले, तो वो कहती उसको ना छोटे हो गए लेंथ वगैरह में ना, तो उन्होंने फिर अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने थे। और छोटी नंद भी साथ चली गई थी और मैं भी साथ चली गई थी कि ज़रा चलिए विज़िट हो जाएगा और देख लेंगे क्या वैरायटी आई हुई है और कपड़ों की रेंज वगैरह क्या जा रही है। लेकिन महंगाई तो इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। बंदा बच्चों के क्या सोचे, अपने उतने में बच्चों के कपड़े आ रहे हैं और पता नहीं अपने कितने महंगे आने हैं। तो यहाँ पे मैं ना आटा आज ही से बड़ा सा जो मेरा तसला टाइप है ना, मैंने एक बाउल लिया हुआ है, इसी में आज मैं गूंद रही थी। प्रात नहीं मैंने निकाली, मुझे ज़्यादा ना प्रात में से मैं बाउल वगैरह में भी आटा गूंद लेती होती हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैंने मशीन के अंदर आटा नहीं गूंदा, क्योंकि आज ही आटा था ज़्यादा, तो मशीन के अंदर ना बस मुनासिब ही आटा गूंदा जाता है 1 से 1.5 किलो। तो ये आटा था ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं मशीन पे ज़्यादा बोझ डालना है मैंने, तो चलें आज मैं अपने व्यूअर्स को दिखा देती हूँ कि हाथ से भी आटा मैं गूंद लेती होती हूँ। ये नहीं है कि मैं हाथ से आटा नहीं गूंदती, तो बस इसको अच्छी तरह से गूंद के, तो देखिए जी मैंने ना अब इसको साइड पर रख दिया, और साथ ही बस ना मैं 5-7 मिनट वेट करूँगी और ड्राई वगैरह करके ना अपनी टाइलें सारी, तो यहाँ पे अब मैं पेरे कर लूँगी, क्योंकि अभी उसकी जो विसल थी ना फलियों की वो भी हो चुकी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना प्रेशर कुकर को खोल दिया हुआ है ताकि उसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो बस यहाँ पे पेरे करते हैं सबके लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी बस 10 मिनट 10 मिनट, बच्चों को कह रही थी, कह रहे मम्मा 10 मिनट ही नहीं खत्म हो रहे आपके, कब से कह रही हो 10 मिनट 10 मिनट। तो मैंने कहा बस बेटा पूरी कोशिश कर रही हूँ फटाफट से खाना रेडी हो जाए। अभी वैसे माशा से 1:45 हुए थे, मैं अभी टाइम देख के आई थी। तो बस जी फटाफट से अब मैं पेरे करती हूँ और बच्चों को खाना सर्व करती हूँ। खाना सर्व करने के बाद ना फिर हमने चले जाना है बाज़ार। और कुतला ने आज बहुत ज़्यादा जिद कर दी थी कि भाई मैंने छुट्टी करनी है, मैंने ट्यूशन नहीं जाना, पुप्पू आई हुई हैं। तो लेकिन फिर मैंने उनकी ट्यूशन की टीचर से बात कर ली थी, तो वो मेरी जो नंद की बेटी है बड़ी, वो उसको पढ़ा देगी, और माशाल्लाह से वो लेके उसको बैठ गई थी पढ़ने के लिए, ताकि ना कुतला तुम पढ़ लो, क्योंकि फिर मैंने चले जाना था बाज़ार। फिर मैंने कहा पीछे पता नहीं ये पढ़े ना पढ़े या फिर कोई ज़िद्द ना करे, तो इसलिए फिर उसने माशाल्लाह से इसको पढ़ा दिया था। ओरल जो था वो मैंने खुद भी इसका सुन लिया था, उसने भी इसका सुन लिया था। दो इसके थे असेसमेंट टेस्ट ना, इनके हर माह के एंड पे ना असेसमेंट टेस्ट होते हैं, जो आपको मैंने लास्ट दिखाया वो मैंने काफ़ी देर आपको दिखाया था, वैसे कि उसको समझ लें 1 महीना हो चुका हुआ है उस असेसमेंट टेस्ट को, जो मैंने आपको लास्ट दिखाया ना शादी की वीडियो में, साथ इसका रिजल्ट भी लेके आए थे। वो हर महीने इनके असेसमेंट होते हैं, तो बस इनके दोबारा असेसमेंट टेस्ट हो रहे हैं 20-22 दिन बाद। तो वो व्लॉग जो था ना वो मैंने समझ लें देर लगाया था, ऐसे ही होता है मेरा जो व्लॉग होता है ये बिल्कुल मेरा नॉर्मल रूटीन में ऐसे ही नहीं चल रहा था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये काफ़ी दिन पुराना होता है। अच्छा जी यहाँ पे देखिए जी फलियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉफ्ट हो चुकी हैं, पानी इनका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका हुआ है। प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया हुआ था, थोड़ा सा पानी था अंदर, तो बस इनको साथ साथ मैं भून रही हूँ, क्योंकि भूनेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। तो अच्छा जी यहाँ पे माशाल्लाह से देखिए जी फलियाँ, गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, लुक आप दे सकते हैं। उसके बाद हम चले गए थे जी बाज़ार, तो बाज़ार में यहाँ पे देखें जी काफ़ी विज़िट करने के बाद ना एट लास्ट ये देखें जी ये कपड़े थे जो हमें दिखा रहे थे भाई, इस शॉप से हमें पसंद आ गए थे। वैसे हमने काफ़ी शॉप्स पे पहले देखे थे लेकिन इतने पसंद नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे हमें पसंद आ गए थे कपड़े। तो बस ये अभी दिखा रहे हैं कि हम इनमें से कौन से डिसाइड करते हैं, तो अभी देखते हैं और फिर देखते हैं डिसाइड इनमें से करते हैं कौन कौन से हैं और डिज़ाइन कैसे हैं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से कलर प्यारे हैं और डिज़ाइन कैसे हैं, और अगर आपने रेंज वगैरह भी पूछनी होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। नॉर्मली रेंज थी, इतनी ज़्यादा रेंज नहीं थी। और माशाल्लाह से यहाँ पे भी नन चूज़ कर रही थी कि कौन कौन से कपड़े इनको पसंद आए हैं, फिर बाद में हमने कहा था इनके रेट वगैरह पूछ के तो रेट करवा देंगे। अच्छा जी तो ये हैं 4 सूट जो उनको पसंद आए थे। एक ये ब्लैक था माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, साइड पे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी और जो बाजू थे ना उन पर चिकन का काम हुआ हुआ था, और ये भी बहुत प्यारा था, इसके साइड पे ना जो घेरा है उसके पे चिकन थी और साथ में एप्लिक का काम हुआ था, प्यारा हुआ हुआ था। येलो भी बहुत प्यारा था, कढ़ाई वाला था, और रेड भी बहुत प्यारा था। ये 4 उन्होंने पसंद किए थे, साथ इसमें दिखा रहे थे, हमने कहा इनकी शलवारें जो हैं वो भी साथ दिखा दी, 2 पीस थे ये ना, तो ये उनके दिखा रहे थे। ये बस जो ऑरेंज है उसके पांचे पे नीचे काम हुआ हुआ था, बाकी जो थे ना वो सिंपल ट्राउज़र ही थे। अच्छा जी तो फिर अब हम आ गए थे घर, ये वाले कपड़े जो आपको मैंने एंड पे 4 दिखाए ना, उनको ये वाले सूट पसंद आए थे, ये वाले सूट उन्होंने ले लिए थे अपनी बेटी के लिए ना कैजुअल ट्यूशन वगैरह अकेडमी पहनने के लिए ना। अच्छा जी यहाँ पे तो आते हुए रास्ते में ना फिर छोटी नंद ने कहा मेरा दिल चाह रहा है अभी संगाड़े लेने को, तो उन्होंने ना संगाड़े ले लिए थे। सो फिर मैंने कहा संगाड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ,
सिंगारे बहुत ही आसान और इजी तरीका है, बिल्कुल भी जिनको तो पट्ठों का मसला है जो भी, उनके लिए तो बहुत ही आसान तरीका है। तो लेकिन उसके लिए ना सबसे पहले आपने इनको करना है वॉश, क्योंकि ये होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे और मिट्टी वगैरह भी लगी होती है इन पर ना, तो इनको सबसे पहले वॉश करना चाहिए, क्योंकि जब ये पक जाएंगे तो उसके बाद तो वॉश नहीं होना ना इन्होंने, तो इसलिए पहले ही वॉश होना चाहिए ताकि बच्चे पकड़ें तो बच्चों में कोई जर्म्स या जरासीम ना जा सके। वैसे भी मैं तो कोई फ्रूट भी कुछ भी आए ना सब्ज़ी सबसे पहले धोती हूँ, फिर बच्चों से कहती हूँ मुँह में डालें, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इनको ऐसे पकड़ के डाल रही थी ना, दो दो तीन तीन, तो इन बहुत बड़े थे माशाल्लाह, साइज़ में भी बड़े थे और कांटे बहुत ज़्यादा इनके थे जो मेरे हाथों में ना चुभड़े थे। तो खैर मैंने काफ़ी ऐसे धोए, फिर उसके बाद मैंने ना नीचे इनका ही ना पानी पत्ते वगैरह जो होते हैं ना वो सिंक में नीचे ही खड़े हो गए थे, तो फिर मैंने ना उसी के अंदर फिर फटाफट से हाथ डाल के ना, तो इनको वॉश, ये देखे जी पानी में आपको दिखाती हूँ कैसे नीचे इकट्ठा हो गया हुआ, तो उसमें ये था ये मतलब कि माशाल्लाह खुले पानी में आराम से धुलते जा रहे थे। तो बस फिर सारे यहाँ पे सिंगारे मैंने वॉश किए, वॉश करने के बाद ना सिंक को साफ़ कर लिया था, और माशाल्लाह से मैं गई हुई थी बाज़ार तो वो खाने के बर्तन नहीं वॉश करके गई थी, लेकिन मेरे आने तक ना नंद की बेटी ने खाने के बर्तन धो दिए हुए थे। और यहाँ पे देख लिया प्रेशर कुकर की आप मेरे हालत के, प्रेशर कुकर ऐसे अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा जी संगारे देखें जी, धो के ना थोड़ी देर मैंने रखे हैं बास्केट में, एक दो मिनट ही रखे हैं जी बस। तो अच्छा इसमें आपने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ नमक कुछ नहीं डालना, सिंपल ये सिंगारे डालने हैं, और प्रेशर कुकर को आपने ना चला देना है, सॉरी बंद करके तो इसकी फ्लेम ऑन कर देनी है, सॉरी चला नहीं देना। अच्छा जी तो जब इसकी विसल बोलनी है ना, तब आपने पूरे सिर्फ दो मिनट का टाइम आपने नोट करना है, सिर्फ दो मिनट, दो मिनट से ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। जब आपने पास ही रहना है, विसल स्टार्ट होगी तो आपने दो मिनट का टाइम नोट करना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल परफेक्ट और मज़े के आपके ना सिंगारे जो है ना बनेंगे। विसल बोलेगी तो टाइम नोट करूंगी पूरे दो मिनट, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनेंगे मज़ेदार, अमेजिंग और बहुत ही क्विक बनेंगे। बड़ा टुटना ही बिलाल, अज मेरे जीवन को पता चल जाएगा कि साढ़े अंदर की माँ किस तरह की है। बिलाल कह सब बाहर आई है, मैं छोड़ना नहीं है, और घोड़े ने ना कहता पाए आ गए, नहीं नहीं यहाँ पे देख लें जी, बड़ी नंद भी आ गई थी मगर चली गई थी बाज़ार से, और फिर खाना वगैरह खा के ना वो दोबारा आ गई थी, जो छोटी नंद थी वो तो इधर ही थी ना, और बच्चे ऊपर से भी सारे आ गए थे। ये देखिए जी सिंगाड़े हो गए थे कुक, उनको मैंने डाल दिया था जी उसमें एक बास्केट में, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कटिंग हुआ हुआ। तो आपको प्रेशर कुकर मैंने दिखाया ना अंदर से कैसा हुआ हुआ है, इसमें गर्म गर्म में आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है, तो देखें जी माशाल्लाह से कैसे ब्लैक हुआ था। दोबारा से मैंने इसको जी चमका लिया जादू की तरह। अच्छा उसके बाद फिर मैंने ना सबके लिए बना ली थी चाय हमारे ना, हाँ जो है ना खाने के बाद रात को ज़रूर रोज़ चाय पीते हैं। तो जो सिंगारे का क्लिप है ना वो मैं आपको एंड पे दिखा दूंगी। तो बस इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त, तो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।